नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आ गया हूँ कल्याण के तिलक चौक। यहाँ पर देखेंगे ना, मेरे पीछे ताता लगा हुआ है, खिड़की वड़ा पाव। देखिए, खिड़की वड़ा पाव बोला जाता है, वजे बंधु द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसे खिड़की वड़ा पाव क्यों बोला जाता है, जो आज आपको ये छोटा सा आउटलेट दिख रहा है, यहाँ पर ना पहले एक छोटा सा एक कियोस्क जैसा था, एक छोटा सा दुकान था, जहाँ पर खिड़की से वड़ा दिया जाता था। वड़ा पाव नहीं दिया जाता, सिर्फ वड़ा दिया जाता था। आज ये खिड़की वड़ा बन गया है। देखिए, नाम भी अभी खिड़की वड़ा है। 1968 यानी 1968 में इसकी स्थापना की गई वजे बंधु द्वारा। उस समय गिरणी कामगार जो था ना, बंद होने के कगार पे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम आजीविका के लिए क्या करें। उस समय वजे बंधु ने इसकी नींव रखी। धीरे धीरे ये फेमस होता गया। देखिए क्या रहता ना, हमारा क्वालिटी क्या है, हमारी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी का परफेक्ट समन्वय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी किस तरह से ये यानी क्वालिटी, जो इनके वड़े हैं ना साहब, छोटे छोटे नहीं है। इनके वड़े जो है ना, एक जंबो वड़ा पाव आज जो हम बात करते हैं ना, तो ये जंबो वड़ा पाव की शुरुआत यहीं से हुई थी। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि ये लोग सीमित नहीं रहे, वड़ा नहीं देते साहब, वड़े का मसाला भी बेचते थे। भारत का पहला पेटेंटेड जो है इनके पास ये मसाला है, जो मामाचा गाँव एक प्रोजेक्ट है, मामाचा गाँव जो रत्नागिरी के पास इनका चलता है। थोड़ा सा हम देखते हैं अंदर, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा जरा गर्दी में जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, कल में एक बार आएंगे ना। के डी एम सी के बाजू में है, खिड़की वड़ा पाव है, बहुत ही अच्छा वड़ा पाव है और इसका बहुत ही अच्छा नाम है, टेस्ट भी अच्छा है। और आज मेरा भाग्य देखा सर, आपने दो वड़ा पाव लिया। या मेरा नहीं, मुझे टेस्ट अच्छी लगी और मुझे बहुत भाग्य कि आज मेरे प्रोफेसर दिनेश गुप्ता जी मेरे साथ है। तो एक खिड़की भाव वड़ा पाव खा के तो मुंबई का हो गया, लेकिन उसके साथ खिड़की वड़ा पाव भी खाया और बहुत ही अच्छा लगा। काने मामा वड़ा पाव है, रविदास का गली का वड़ा पाव है और खिड़की वड़ा पाव। खिड़की वड़ा पाव कल्याण में तो बहुत ही नाम है, तो जो भी तो कल्याण वाले हैं, डोंबिवली वाले, एक बार खिड़की वड़ा पाव में आइए, वड़ा पाव खा के जाइए। आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया सर, तो हमारा ये वीडियो चलता ही रहेगा, आप लोग यहाँ पर आते रहिएगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से, मेन क्या देखिए साहब, ब्रांड इस्टेब्लिश होना चाहिए। आप कुछ भी बेचिए, जब तक आपका ब्रांड इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है ना, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। तो सक्सेस का है जो मंत्र मैंने यहाँ पर देखा है, खिड़की वड़ा अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। धन्यवाद।